बताइए कौन सी गाड़ी ले रहे हम लोग। प्रयागराज की पावन धरती पे हम लोग पधार चुके हैं। दिखाता हूँ आपको, ऊपर माता रानी का दिख रहा है यहीं से। ये देखिए माता रानी का धाम दिख रहा है यहीं से। कहीं देखिए सर, हाईग्रा रोपवे का सिस्टम है ये। बोलो शेरावाली मैया की। वेलकम अगेन गाइस टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए अपने मस्त यूट्यूब के पैसे से। पहली गाड़ी लेंगे, खुद की कमाई से लेंगे। आपको दिखाते हैं एजेंसी के अंदर चल रहे हैं। अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, फिलहाल बहुत ही अच्छी गाड़ी में बैठे हूँ, नैनो। बस कोई बात नहीं है, चलेंगे अभी गाड़ी लेंगे, मस्त दिखाएंगे। देखिए अंकित जी बैठे हुए पीछे। अरे आज यूट्यूब के पैसे से गाड़ी लेंगे, कितनी खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं एजेंसी में, दिखाएंगे आपको कौन सी गाड़ी लेने जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। 6 एपिसोड है अलादीन, देखा करिए आप लोग, बहुत मजा आएगा। टाइम पास, फुटेज में दिखाइए। चैनल प्रमोशन के लिए पैसा मिला है भारी मात्रा, 600 रुपया पर टिकट। चलिए मिलते हैं आप। ये देखिए आ चुके हम लोग एजेंसी के बाहर खड़े, मस्त गाड़ी तैयार हो रही है हमारी। ये देखिए भाई है हमारे, गाड़ी तैयार करा रहे हैं हमारी। आइए सर बताइए कौन सी गाड़ी ले रहे हैं हम लोग। कितना काम बाकी है अभी गाड़ी में हमारे? बस 10-15 मिनट में दिखाते हैं गाड़ी के दर्शन कराते हैं आपको। भाई है हमारे, मस्त गाड़ी तैयार करेंगे। आइए चलिए दिखाते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी बना रहे हैं। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम लोग आ गए बनारस। अब बनारस से जाएंगे गाड़ी लिए, नहीं तो जाएंगे थोड़ा दर्शन करने के लिए, गाड़ी की पूजा वूजा करवाएंगे। तो जा रहे हम लोग मैहर माता, वहाँ जाएंगे थोड़ा मस्त, आपको पुल दिखाऊंगा, नैनो पुल, वहाँ का बहुत ही खूबसूरत पुल है। और गाड़ी लेके तो आज हम बहुत खुश हैं, हम लोग सब लोग आ गए गाड़ी में, अब चलेंगे। अंकित जी लाइट जलाइए जरा, थोड़ा दिखाइए। देखिए आ गए अंकित बाबू, सब लोग हम लोग चलेंगे अब मस्त। ये सोनू जी हैं आज। भाई एक चीज बताना चाहता हूँ, आज दिलीप जी ने एक बैठ हारी है 10,65,000 की। जो सोनू गाड़ी देनी, वैसे भी मुझे इसको वो देना था, यो आपके भाई ने जीती है, बुलेट 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 देना था। अब इसको देनी है डिजायर, डन। अब इसको डिजायर चाहिए। A few moments later, look, so finally हम लोग घर पे पहुंच चुके। देखिए रूम पूरा बिखरा पड़ा है, ऐसे मतलब सामान सामान, क्योंकि हम ऐसे गए थे छोड़ के तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ, आज मेरी सेल्फी स्टिक नहीं है, मैं नहीं बना रहा, तो आइए दिखाता हूँ क्या हो रहा है मस्त। ये देखिए हमारे सैफ साहब लगे हुए खाना बनाने में, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
साफ सफाई चल रही है। अभी हम लोग खाना वाना बना के नहा धो के निकलेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे मैहर माता। आपको रास्ते में पुल पड़ता है, बहुत ही अच्छा पुल है नैनी पुल। आपको पुल दिखाएंगे, बहुत इंजॉय कराएंगे। ये देखिए हमारी छोटी दुनिया जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, ये तो खाते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद ही से खाते। ये देखिए खुद से बनाते हैं, नहीं हम बनाते हैं। हाँ यही बनाता है, मतलब मैं मदद करता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्ञान देने में मदद करता हूँ, ज्ञान देने में। मैं पूछता है भाई कि पानी कितना पड़ेगा चावल में, तो मैं बताता हूँ, तो भी मेरी मदद ही उसमें उसमें थोड़ी। ये देखे ऐसा मीठा वाले ये ला के रखता हूँ। चलिए खा पी के निकलते समय फोन करते हैं, और भी मस्त इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें दिखाएंगे, एकदम सब कुछ एक्सप्लोर वगैरह देंगे। आज वैसे भी आज हम लोग बहुत खुश। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा इस पुल का, ये नैनी पुल है यहाँ का, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए दृश्य कितना अच्छा है यहाँ पे, और प्रयागराज की पावन धरती पे हम लोग पधार चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य। गुड मॉर्निंग भाई लोग, तो हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के धाम पे दर्शन करने के लिए। आए हुए हैं यहाँ पे 5 बजे, अब चलेंगे नहाएंगे, और 5 बजे से यहाँ पे मंदिर का गेट खुल जाता है, मेन एंट्रेंस वाला, तो वहाँ पे चलेंगे, एंट्री करेंगे, मस्त चलेंगे, माता रानी का दर्शन करेंगे, गाड़ी की पूजा करेंगे। और बताइए अंकित जी क्या क्या करेंगे? सब बढ़िया। देखिए हालत कैसी हो रखी है, ये देखिए मोटे भाई हैं अपने। मोटे भाई भी आए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, फ्रेश सर्श होकर फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, दिखाता हूँ आपको ऊपर माता रानी का दिख रहा है यहीं से। ये देखिए माता रानी का धाम दिख रहा है यहीं से। तो देखिए भाई लोग, हम लोग तैयार हो चुके हैं, मस्त अब जा रहा हूँ, प्रसाद ले लिया है, जाऊँगा माता का दर्शन करूँगा। दर्शन करने के बाद फिर नीचे आएंगे, गाड़ी की पूजा कर लेंगे, गाड़ी की पूजा करने के बाद उसके बाद वापस चलेंगे घर। चलिए दिखाते हैं, अभी चलेंगे हम लोग रोपवे के पास, वहाँ पे टिकट विकेट लेंगे, क्योंकि वहाँ का भी शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, चलेंगे रोपवे के पास। देखिए सब लोग, ये भाई लोग भी आ चुके हैं। धर्मेंद्र भाई इधर आइए। हाँ देखिए धर्मेंद्र भाई आ गए। देखिए प्रसाद दिखाइए आप लोग भी, सब लोगों ने प्रसाद ले लिया, मस्त हम लोग चलेंगे पूजा करने, चल रहे अभी रोपवे के पास। देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, क्योंकि सुबह के टाइम में आए हुए हैं, तो सस्ते में काम निपट जाएगा हम लोगों को, भीड़ में भी बहुत जाना नहीं पड़ेगा, दर्शन भी अच्छे से हो जाएगा, मस्त है सारी चीज़ें। चलिए आगे का रास्ता दिखाता हूँ कैसे जा रहे हैं हम लोग, मस्त। देखिए मोटा भाई हमारे, इसका नाम रख दिया हमने मोटा भाई, ये मोटा भाई है गुज्जर। गुज्जर गुज्जर लाइन लगी हुई है रोपवे के लिए, यहाँ पे टिकट मिल रहा है, टिकट लेके आएंगे। देखिए टिकट ले लिया, इतना लंबा मस्त टिकट लेके निकलेंगे, क्योंकि आज भीड़ भी नहीं है, तो दर्शन भी बहुत अच्छा होगा। देखिए ये देखिए प्रसाद खड़े होके एकदम मस्त, ये देखिए है, चलेंगे अभी। यहाँ पे फ्री स्लीपर निकालने की व्यवस्था है, तो यहाँ पे स्लीपर निकाल सकते हो, शूज वगैरह निकाल सकते हो, तो शूज यहीं पे निकाल देंगे फिर चलेंगे आगे। देखिए रोपवे के लिए है मस्त, ये रोपवे की व्यवस्था है, सभी लोग खड़े हैं अंदर जाने के, हम लोग भी चलेंगे आगे दोनों लोग। देखिए हम लोगों के अलावा कोई है ही नहीं इधर कहीं। देखिए सर हाय कर रहे हैं, आइए बैठते हैं रोपवे में, बैठ के दिखाते हैं कैसी फीलिंग आती है रोपवे के अंदर बैठने के बाद। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर से माता रानी के पास जाना है बैठ के, तो और भी अच्छी बात है। पूरा रोपवे का सिस्टम है, ये चलता है पूरा रोपवे ऐसे। यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये व्हील्स लगे हुए, इतना पावरफुल है ये, देखिए वहाँ पे उतने सारे व्हील्स लगे हुए उसके लिए। ये देखिए मोटर्स वगैरह हैं, यहाँ हमारी सवारी आ गई, इसमें बैठेंगे हम लोग, इसी में बैठ जाते हैं सब लोग ना, इसमें बैठ के चलेंगे हम और धर्मेंद्र भाई, बैठ गए रोपवे के अंदर और मस्त चलेंगे। देखिए एकदम ऊपर जाएगा धर्मेंद्र भाई, कोने में खिसक जाएगा, डिसबैलेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन माता रानी हमारे साथ है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। भैया इसको धक्का दीजिए थोड़ा, देखिए 50 की स्पीड में चल रहा भाई ये, मस्त मजा आ रहा है रोपवे के अंदर।
नहीं अच्छा लग रहा है, एक कमी है सरकार से, गाना इसमें गाना सिस्टम लगा दे म्यूजिक वाला। नहीं इतना बजट अभी हाई नहीं है भाई, बस इतना मेंटेनेंस है वो काफी है, बहुत है। देखिए बहुत अच्छा लग, देखिए कितने ऊपर आ जाएगा। अगर पिछली बार यहाँ पे अंकित आया था ऐसे मुंडी करके ऐसे नीचे करके बैठो, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। ये देखिए ये दिखाता हूँ इधर, बहुत सुंदर लगता है नजारा। व्यू देखिए उधर से, व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है समुद्र। और बाकी तो हमें तो एडवेंचर का मजा आता है, ये वैसे भी ये तो हमारे लिए किसी एडवेंचर से कम तो है। क्या सुनोगे बताइए? नहीं कैंप लगाने चलेंगे, कैंपिंग करने चलेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट कैंपिंग का भी प्लान है, तो आप लोग जैसा बताइए चलेंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे? ऋषिकेश जाएंगे क्या? माता रानी का दर्शन भी करेंगे, बहुत जल्दी दर्शन करेंगे। अच्छा लग रहा है, पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इतना इतना ये हिलता है भाई साहब। देखिए मेरा सोनू भाई है, सोनू भाई बताओ जितने सुकून से दर्शन होने वाला है, कभी हुआ है क्या हम लोगों का दर्शन उतने सुकून से? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा जगह है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। मतलब लग नहीं रहा है यहाँ पे आके भाई की रात भर का जगे हुए हम लोग, ऐसे एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है। देखिए पूरा रास्ता है, चल रहे हम लोग रास्ते के अंदर 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 चलेंगे। ये आए थे ना जब ये लास्ट टाइम हम आए थे उस टाइम पे यहाँ से उधर जाने में कम से कम 4 घंटे लगे थे पूरे। अभी तो एकदम आराम से जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, कोई टेंशन नहीं है भाई। माता रानी थोड़ी बोलती है कि तुम भीड़ में आओ, तुम नवरात्रि में आओ तो हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। माता रानी की कृपा भक्तों पर हमेशा होती है, माता रानी सबसे प्यार करती हैं, सबकी कृपा होती है हमेशा से। ये देखिए ये यहाँ का स्वर्ग है और हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए माता रानी का भव्य मंदिर जहाँ पे दर्शन हो रहा है, दर्शन कर लेते हैं, दर्शन भी दिखाएंगे, दर्शन कैसे करेंगे। ये देखिए जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं भाई मेरे, सबके घर में भगवान धन भरे, मस्त तरक्की दे जीवन में उनको। मजा आ रहा है यहाँ से, एक सेकंड। देखिए सब लोग आ रहे पीछे पीछे, सोनू आ रहा है, देखिए गाना गाते हुए एकदम भक्ति भाव में आ रहा सोनू आज। यहाँ से थोड़ी लाइन लगी हुई है तो लाइन का सीन है थोड़ा यहाँ पे। बोलो शेरा वाली मैया की। लोग कैसे, देखिए दर्शन हो चुका है पूरा कंप्लीट, एकदम मस्त बढ़िया दर्शन हुआ है हमारा, माता रानी की कृपा रही, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ आज। आज से बढ़िया दर्शन कभी नहीं हुआ था, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। नजारा देखिए एक बार पूरा मंदिर का, आपका इंतजार कर रहे हैं, मंदिर के पीछे खड़े हैं, क्या करें कुछ रहा, माता रानी के मंदिर के पास फोटो शूट कर रहे हैं। सोनू फाइन लगेगा 551। क्योंकि दर्शन कंप्लीट कर लिया हमने, दर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम नीचे जाएंगे वापस से, क्योंकि अंकित भी बहुत देर से हमारा वेट कर रहा है। बताता हूँ अभी तक अंकित इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि घर पे एक लोगों की डेथ हो गई थी, तो अभी 13-14 दिन तक उसको कुछ नहीं करना है पूजा वगैरह, तो इसके लिए। हाँ भाई ये फ्रेम से बाहर हो जा रहा है, बार बार इनकी शिकायत है कि फ्रेम से बाहर हो जा रहे हैं। इनके लिए कमेंट करिए ब्लॉग में, धर्मेंद्र भाई के लिए कमेंट करिए, हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बस समय समय पे मेरी खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन प्यार है भाई का।
फिर जाएंगे, देखिए वापस रोपवे के पास ही जाएंगे, जाएंगे यहाँ से रोपवे है तो यहाँ से रोपवे के अंदर जाएंगे। मस्त मेरे पास टिकट है, टिकट निकाल लूँ उसके बाद। यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके, थोड़ा एक माइंड को रिलैक्स मिलता है। माता रानी का दरबार है तो आइए घूमिए जाइए, जो भी मन्नतें हैं माता रानी के पास आने से पूरी होती हैं। ये देखिए आ गए रोपवे से नीचे, अब हम लोग चलेंगे अंकित के पास जहाँ पे गाड़ी है हमारी। और यहाँ पे पिछली बार आए थे हम लोग तो यहाँ पे भंडारा वगैरह भी चल रहा था, तो यहाँ से खा के गए थे हम लोग क्योंकि भूख लगी थी। इस फेंकना मत, इधर उधर मत फेंकना, डस्टबिन में डालना। ओ नो, किसने बोला है? मोदी चाचा ने? नहीं, बात मोदी चाचा की नहीं है, साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना। इधर 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 दिखाओ, जनता को जागरूक करो। चलो माता रानी का प्रसाद खाएंगे हम लोग, खाएंगे चाचा अच्छे से खाएंगे मस्त। हम लोग लेके जाना पड़ता है उधर, ऐसे प्लेट लेके जाइए, दोनों हाथ से पकड़िए, प्लेट लेंगे हम लोग। देखिए ऐसे प्लेट में मिलता है यहाँ पे, मतलब पूरे इज्जत से गरम गरम अच्छा लगता है। मैं पिछली बार भी आया था, मैंने खाया हुआ था पिछली बार। सोनू चम्मच चम्मच दे बाबू एक। आपने कितना प्लेट खाया? मैंने पिछली बार चार प्लेट खाया चार प्लेट खाया था मैंने, पर मैंने दिया भी था, मैंने दान भी करा था उसके लिए, इसमें कोई वाली बात। चलिए ख़त्म कर ले, ये ख़त्म करके फिर मिलते हैं। पता नहीं कहाँ पे गाड़ी पार्क है, इतना सारा सामान लेके मैं भूल गया। अब अंकित को कॉल करता हूँ, गाड़ी के अंदर है। यहाँ से आना था मुझे, मैं पता नहीं कहाँ चला गया था। अभी देखना कितना मज़ा लेंगे सब, मैं जाऊँगा। दिलीप बग्गो, दिलीप आवाज खोज के आया यहाँ पे, तो खो गया था। देखिए आ चुके हम लोग, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, वापस चलेंगे। मेरे दोनों ड्राइवर आगे बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं। खलासी पीछे बैठे हैं। एक चला लेना तो से। एक मेरा अंधा ड्राइवर, उसको कोई कुछ नहीं बोले अंधे ड्राइवर को।